कभी कभी हमारे पास देखने के लिए कई सारे फिल्में और ऑनलाइन सीरीज होती है, लेकिन तब भी हम यह तय नहीं कर पाते कि हमें क्या देखना चाहिए। जिस फिल्म या सीरीज की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा होती है, हम वही देखने के पीछे निकल पड़ते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम कुछ बेहतरीन फिल्में या सीरीज छोड़ देते हैं जिनकी लोकप्रियता तो उतनी नहीं होती है। नेटफ्लिक्स पर 19 मार्च को फील गुड सीरीज लॉन्च हुई थी, जो उतने चर्चे में तो नहीं रही, लेकिन देखने वालों के दिल को छू गई। मे मार्टिन की सीरीज फील गुड मानसिक स्वास्थ्य, ड्रग्स, LGBT जैसे कई सामाजिक तत्वों पर निर्धारित है। इस सीरीज के निर्माताओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सीरीज के हर तत्व को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक अहम किरदार निभाया है। सीरीज में मे मार्टिन के साथ शार्लेट रिची, लीजा कुड्रो, सोफी थॉम्पसन भी अहम किरदार निभा रहे हैं। नेटफ्लिक्स की सीरीज में मे मार्टिन और शार्लेट रिची ने मे और जॉर्ज का रोल अदा किया है। मे ने एक समलैंगिक का किरदार निभाया है और जॉर्ज ने भी खुद को समलैंगिक समझ लिया था और फिर वह समलैंगिक के राह पर ही निकल पड़ी थी। लेकिन जॉर्ज समलैंगिक नहीं थी, उसे हमेशा से लड़के पसंद थे, लेकिन जॉर्ज को सिर्फ एक ही लड़की पसंद थी, जो मे थी। अंत में जॉर्ज के किरदार को काफ़ी पसंद किया गया। सीरीज में ऐसा भी दिखाया गया था कि मे और जॉर्ज जब साथ थे तब उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, उनके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता था। लेकिन अचानक से जब वो दूर चले गए, दोनों की ज़िंदगी में भूचाल आ गया और जॉर्ज ड्रग्स के रास्ते पर चल पड़ी। उसके बाद वह डिप्रेशन में भी गई थी। मे और जॉर्ज के अलावा लिंडा का भी अहम किरदार है, जो कि लोगों को खूब पसंद आया। लिंडा ने मे की माँ का किरदार निभाया है। वह एक ऐसी माँ है जो हर वक्त अपनी बेटी की चिंता किया करती थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। फील गुड सीरीज ने हमें यह भी सिखाया कि अनोखेपन भी जीने का एक रूप हो सकता है। हम उससे शर्म करते हैं जबकि हमें उस पर गर्व करना चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति में एक अनोखा स्वर होता है जिसका सम्मान सबको करना चाहिए।